नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। 3 दिन से लगातार हो रही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण रानी पोखरी जाखर नदी पर बना पुल बीच से टूट करके बह चुका है। पुल के बह जाने से देहरादून से ऋषिकेश जाने वाला ट्रैफिक बाधित हो चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन शासन से जुड़े लोग घटना स्थल पर पहुंचे और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं। हालांकि इस प्रकार के पुल के टूट जाने से कई लोग सरकार की ढीली ढाड़ी व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं, जिस पर यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल का कहना है कि यहां पुल 60 साल पुराना है, जिसे बनाने की सरकार से कई बार मांग की जा चुकी है, बावजूद उसके पुल नहीं बन पाया है। स्थिति का जायजा लेने पहुंचे डीएम आर राजेश कुमार ने लोगों को अपील की है कि देहरादून से ऋषिकेश जाने वाले लोग देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे से नेपाली फार्म होते हुए जा सकते हैं। साथ ही पूर्व राज्य मंत्री करण बोहरा ने जल्द ही पुल बनाने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। जैसे कि अभी आपने सुना कि डीएम साहब ने अभी बताया है कि अभी जो रूट है वो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, और रूट डाइवर्ट करने के कारण जो है लोगों में थोड़ा सा असुविधा तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जान माल का खतरा नहीं बना रहेगा। हमारे साथ में जो है यहाँ पर सेमवाल जी भी हैं, आइए सेमवाल जी से भी बात कर लेते हैं। सेमवाल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सेमवाल जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में कि डीएम साहब ने जब बोला कि रूट जो डाइवर्ट किए हुए हैं और किस वजह से ये पुल अभी टूटा है, किसकी लापरवाही दिखती है? देखिए, जहाँ पर ये पुल अभी दोबारा से गिरा है, ठीक उससे गिरने से 5 मिनट पहले डीएम साहब उसी एरिया में थे, तो जिससे देख सकते हो आप कि ये पुल जहाँ पर टूटा है ये कितना खतरनाक है और आगे भी कितने टूटने की इसकी संभावना है। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद एसडीआरएफ और प्रशासन ने इस पर बैरिकेटिंग और दूर तक लगा दी है। इस पुल के टूटने के जो कारण हैं वो 3-4 बड़े कारण हैं। एक तो ये पुल 60 साल पुराना पुल है, और 60 साल पुराने पुल होने के चलते सीआरएफ की ओर से ये दूसरा पुल यहाँ पर सैंक्शन हो चुका था, जो सरकार की लेट लतीफी के चलते टाइम पे नहीं बनाया गया। अगर टाइम पे इस पुल को डिसमेंटल करके दूसरा पुल बना दिया गया होता तो आज इस तरीके से दुर्घटना नहीं होती। दूसरा बड़ा कारण है कि इस पुल में रिवर ट्रेनिंग बंद है, खनन बंद है, तो इस पुल के नीचे की जो नदी जो बह रही है उससे जो रिवर बेड का जो लेवल है वो काफ़ी अप हो गया, जिसके कारण नदी ने अपना रूट बदल दिया और एक ही जगह पर पूरे फोर्स से बहने लगी, जिसके कारण पुल टूटा। दूसरा बड़ा कारण है कि वन विभाग ने यहाँ पर पूरे रिवर के एरिया में जो है पूरी नदी के तल पे जो है वृक्षारोपण की खानापूर्ति की है, जिसके कारण नदी ने अपना रुख बदल दिया। चौथा बड़ा कारण है कि यहाँ पर बिजली विभाग से लेकर के तमाम विभागों ने अपने पोल से लेकर के अन्य परियोजनाएं यहाँ पर निर्मित कर दी। तो जब आप नदी के एरिया को इस तरीके से अतिक्रमण कर दोगे तो नदी फिर अपना रूट बदलेगी, और नदी ने अपना रूट बदला, खनन बंद है, रिवर ट्रेनिंग नहीं है, तो जिसके कारण एक ही जगह पर फोर्स होने के कारण और तमाम जो गाद और मटेरियल जो रिवर बेड मटेरियल है वो एक ही जगह पर फोर्स होने के कारण ये पुल जो है जगह जगह से लगातार टूट रहा है, और ये 2-3 जगह से ये पुल जो है 3-4 बार में टूट गया है एक घंटे के अंदर। जैसे कि अभी आपने सुना, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डीएम साहब से बात कराई थी, और अभी जो है यहाँ पर अभी सेमवाल जी ने भी यही बात कही है कि कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की जो लापरवाही दिख रही है वो लापरवाही जो है अभी आने वाले समय में और भारी पड़ने वाली है। जो पुल अभी छोटा सा आपने देखा था, जो पुल टूटता हुआ लाइव एक्सक्लूसिव जो हिंदुस्तान न्यूज़ 24 ने आपको दिखाया था, वही पुल धीरे धीरे करके टूटता हुआ जा रहा है, और अभी देखना यह है कि अभी शासन प्रशासन इसके लिए क्या करता है, क्या पहल करता है, और क्या इसमें जनता के लिए क्या सुविधा मुहैया कराई जाएगी। खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमित सिंह रावत। आज हम लोग आ रखे हैं भानेवाले के पुल में, जो कि देहरादून से ऋषिकेश को जोड़ने वाला एकमात्र एक यही पुल है, जो कि अभी भारी वर्षा के कारण जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी यहाँ पर डीएम साहब भी आए थे, तो डीएम साहब ने अभी संज्ञान में अभी ये लिया है कि जो भी यातायात का जो साधन था वो तो यही पुल था, लेकिन अभी इन्होंने रूट को जो है डाइवर्ट कर दिया है। लोगों से अपील किया है कि कोई भी जो आम जो नागरिक हैं वो यहाँ से ना आए, वो नेपाली फार्म से होते हुए डाइवर्ट ये रूट जो है डाइवर्ट किया हुआ है। आइए हम जानते हैं अभी यहाँ पर कि क्यों ये कैसे हुआ, भारी वर्षा के कारण जो ये पुल अभी क्षतिग्रस्त हुआ है, इसमें किसकी लापरवाही थी, क्या कमजोरी थी। और यहाँ पर अभी सामाजिक कार्यकर्ता ये हमारे सेमवाल जी भी हैं, और सेमवाल जी से पूछते हैं, सेमवाल जी कैसे हुआ है, आइए आप थोड़ा जानते हैं, जरा आइए कि डीएम साहब क्या बोलते हैं और क्या है यहाँ पर। लोग साइनेजेस भी लगा रहे हैं बानिया वाले स्टेज पे और अटराज चौक वाले स्टेज पे कि लोग इस वाले रास्ते का उपयोग ना करें और डाइवर्ट होके नेपाली फार्म वाले रास्ते का उपयोग करें। सर, जिस प्रकार से पुल का जो निर्माण हुआ है, 50 साल पुराना पुल बताया जा रहा है, इस पे किस तरीके से एक्शन पीडब्ल्यू विभाग को किस तरीके से करेंगे? देखिए, फिलहाल तो अभी मेन अभी हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों को इस साइड से आवाजाही ना करने दिया जाए,
अब बाकी जैसे शासन के निर्देश होंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जिलाधिकारी का जनता से कहना है कि जैसे कि अभी आपने सुना कि डीएम साहब ने अभी बताया है कि अभी जो रूट है वो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और रूट 10 मीटर है, लगभग ये बताया जा रहा है कि 10 मीटर स्ट्रेच पे जो है पुल धंसा हुआ है। और अभी फिलहाल हमने आवाजाही जो है इस वाले स्ट्रेच पे भी, देहरादून वाले साइड से भी और ऋषिकेश वाले साइड से भी हमने बंद कर दिया है। और जो है लोगों से अपील हमने जारी की है कि नेपाली फार्म वाले साइड से घूम के। दो टेम्पो इसमें गिर गए थे, देखिए खबर ये है कि काफ़ी हल्की फुल्की चोटें आई थी उनका, जहाँ पे जो बेसिक फर्स्ट एड है करा के अब उनको घर पहुँचा दिया गया। निकाल दी गई है सर गाड़ियाँ, अभी वो वाला स्ट्रेच जाके देख कर आऊँगा तो पता चलेगा।